देखिए, भारत का स्थलीय सीमा रेखा कहने का सेंस हुआ भारत के बगल में कौन कौन से देश है उसके बारे में आपको जानकारी देना है। अब जानिए पहले भारत के बगल में कौन कौन सा देश है, अंतर्राष्ट्रीय देश, पर इसको स्थलीय सीमा रेखा बोलते हैं। स्थल से कौन कौन सा जगह लगा हुआ है ये बताइए। एक सबसे पहले ये बात समझिए, स्थल का मतलब जमीन होता है, हमको ये पता है। ये सब में क्या है, पानी है। क्या है? पानी है। इधर तो होता है अरब सागर, अरब सागर। इधर इधर जो होता है क्या होता है, बंगाल की खाड़ी। क्या होता है? बंगाल की खाड़ी होता है। और जो नीचे होता है ये जो पानी है इसको क्या कहते हैं, हिंद महासागर। हिंद महासागर। आप बताइए, जिस एरिया को पानी तीनों ओर से घेरता है उसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। तो इसीलिए इस एरिया को क्या कहते हैं, भारतीय प्रायद्वीप बोलते हैं कि नहीं बताइए, पहले बोलते हैं। आप बताइए, यहाँ से यदि यहाँ पे कोई देश है तो ये किस जल से जुड़ा हुआ है कि नहीं, उसको जलीय सीमा बोल देंगे। क्या बोले? जलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे श्रीलंका है तो यहाँ ये क्या जले से जुड़ा हुआ है ना, तो इसको जलीय सीमा स्थल जलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्थल है, जमीन है। तो ये बताइए, जमीन से क्या, हम बस से जा सकते हैं, ट्रक से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, बाइक से जा रहे हैं जा सकते हैं, तो स्थलीय सीमा से जा सकते हैं। समझे कि नहीं? आप पहले समझिए, भारत का स्थलीय सीमा मतलब सीमा स्थल के से जुड़ा हुआ कितना देश है, स्थल से जुड़ा हुआ कितना देश है। अब सबसे पहले समझिए, यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये जो है, जो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं पाकिस्तान। क्या बोलते हैं? पाकिस्तान। जो हमारा सबसे जा भयानक दुश्मन देश है उसको कहते पाकिस्तान। समझे? ये पाकिस्तान है। अब समझिए, ये जो पाकिस्तान से ऊपर है इसको कहते अफगानिस्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफगानिस्तान बोलते हैं। ये लोग, ये सब आपको हमको लगता है जानकारी होगा ही आपको। आप बताइए, आप ये बताइए, पाकिस्तान से तो एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, कितना स्टेट लगा है? चार स्टेट लगा है। लेकिन ये जम्मू कश्मीर लद्दाख क्या है, यूनियन टेरिटरी है। आपको बता दिए ना पिछले क्लास में, केंद्र शासित प्रदेश। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये बताइए, दो गो यूटी लगा है कि नहीं, हमको ये बताइए पहले। समझे? ये हमें बताइए, लगा हुआ है कि नहीं, लगा हुआ है। तो ये बताइए, कोई पूछेगा यदि एग्जाम में आ गया, पाकिस्तान से लगा हुआ भारत के कितने स्टेट है, तो चार स्टेट है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। कोई दिक्कत? पंजाबी ना है, एक दो तीन, तीन ही स्टेट है ना, आप चार क्यों लिखवा दिए? तीन ही होगा। क्या होगा? तीन होगा। समझे? आइए बताइए, क्या गो यूनियन टेरिटरी है, दो गो है, दो गो यूटी हो गया। कोई दिक्कत? आप समझिए, आगे देखिए, अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से इस सिर्फ क्या लगा हुआ है, लद्दाख। लद्दाख क्या है? यूनियन टेरिटरी है। तो ये सिर्फ एक यूटी लगा हुआ है। समझे? आई हम इसको क्लीन करके थोड़ा सा, एक दो तीन, तीन राज्य सटा हुआ है पाकिस्तान के सीमा रेखा से और दो गो यूटी सटा हुआ है। कोई दिक्कत? ये तो समझ गए होइएगा। आप समझिए, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, आपको लाल पेन से ही दिखा देता हूँ। इसे कहते हैं, इसे इसे क्या कहते हैं, उसे नेपाल कहते हैं कि नहीं बताइए, नेपाल। आ ये जो सिक्किम है, सिक्किम में ये कौन बाएं हाथ हुआ, सिक्किम के बाएं हाथ की तरफ नेपाल और दाएं हाथ की तरफ कौन सा, भूटान। कौन सा भूटान होता है ये बताइए हमको, बताइए। छोटा सा देश है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, इसको मिटा देता हूँ, ये सिक्किम हो गया। चलिए, ये हो गया भूटान। समझ गए? ये भूटान हो गया। आप ध्यान दिया, ये क्या है, नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, ये सबसे जो जुड़ा हुआ है इसको क्या कहते हैं, चीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीन। कौन देश है? चीन बोलते हैं। आ ये जो है, ये जो उत्तर पूर्व का जो राज्य है उसको म्यांमार बोलते हैं। कोई दिक्कत? ये जो है उसको बांग्लादेश बोल देंगे। क्या बोलेंगे? बांग्लादेश। आप देखिए क्या हुआ, एक दो तीन चार पाँच छ सात, तो क्या वो देश से लगा हुआ है, सात देश से लगा हुआ है। समझे? ये तो आपको आ गया होगा, कितना देश लगा हुआ, सात देश लगा हुआ है।
आप आपको पूछेगा ये बताइए भारत से सबसे लंबी सीमा रेखा कौन सा देश बनाती है, भारत से कौन सा देश सीमा रेखा सबसे ज़्यादा लंबी बनाती है, तो कौन सा, बांग्लादेश। आपको सारा क्रम में लिख दिया हूँ, आप कौन कौन, आप हमको बता दो कितना शॉर्ट में आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, बांग्लादेश है, क्या है, बांग्लादेश है, ध्यान दीजिए, हम ब्लू से इसको लिखता हूँ, बांग्लादेश। बांग्लादेश का सीमा रेखा, ये जो बांग्लादेश है किस किस से लगाती है, पश्चिम बंगाल से, असम से लगाएगी सीमा रेखा बनाती है कि नहीं, मेघालय से, और मेघालय से होगा कि नहीं, त्रिपुरा होगा, मिजोरम होगा, तो इस सब की ये सीमा रेखा की लंबाई कितना है, 4096.7 किलोमीटर है। तो आप 4097 इतना बोल दीजिए, इतना बोल दीजिए, कोई दिक्कत, 4097 किलोमीटर, कोई दिक्कत। इसके बाद सीमा रेखा बनाती है चीन के साथ, किसके साथ बनाती है, चीन के साथ, चीन के साथ बनाती है 3488 किलोमीटर, 3488, मतलब एक ही दो को याद कीजिएगा, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे लंबी सीमा रेखा भारत का किसके साथ बनता है, बांग्लादेश के साथ, कितना, 4096.7 है, उसको बोल क्या बोलेंगे, 4097 किलोमीटर, और चीन के साथ कितना बनाती है, 3488 किलोमीटर सीमा रेखा। सुनिए, हमको पाकिस्तान के साथ तो याद करना ही है, पाकिस्तान के साथ कितना है, 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर, समझ में आया कि नहीं आप लोगों, आ गया होगा आपको, ये बताए, ये तीन को याद करना है। सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बनाती है बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के बाद किसके साथ, चीन के साथ, चीन के साथ के बाद कौन सा, पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाती है सबसे लंबी। समझे, आप कोई पूछेगा ये बताइए कौन सा देशों के साथ सबसे कम सीमा रेखा बनाती है, अफगानिस्तान, मत इतना कैसे बनाती है, उसका लंबाई कितना है, 106 किलोमीटर, समझ में आया। आपको एक क्रम से आपको लिख दिया, आप याद ही कर लीजिएगा, आप याद कैसे करना ये बताइए, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, आ गया होगा, क्या बोलेंगे, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, इसके बाद भूटान होगा, इसके बाद क्या होगा, अफगानिस्तान। एक क्रम से आपको याद हो जाना चाहिए, याद ही कर लीजिएगा, ये आया हो क्वेश्चन, आपको अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन का डिस्कशन करना है, बीपीएससी में कैसा आया है, यूपीपीएससी में कैसा आया हुआ है, एसएससी में कैसा क्वेश्चन है, ये सारा चीज़ आपको बताएंगे, कोई दिक्कत। आप आगे देखिए, ध्यान से देखिए, इस सीमा रेखा समझोगे, आप बताइएगा हमको, अफगानिस्तान के साथ किसका है, एक ही यूटी लगता है, लेकिन चीन के साथ आप बताइएगा, एक यूटी लगा, एक यूटी लगा कि नहीं बताइए, एक यूटी लगा, एक मतलब जो चीन के साथ क्या क्या वो स्टेट सटा हुआ है, क्या वो यूटी सटा हुआ है, एक वो यूटी सटा हुआ है, कौन सा, लद्दाख लगा, लेकिन क्या गो राज्य हुआ, एक दो तीन, एक सिक्किम, चार, तो चार गो स्टेट हुआ। तो चीन के साथ क्या वो स्टेट लगता है, चार स्टेट, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और ये सिक्किम है, ध्यान दीजिएगा, ये सिक्किम है, ये जो सिंह की नंदी निकला हुआ, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, समझ में आया। अब बताइए म्यांमार के साथ क्या वो सीमा रेखा बनाती है, एक दो तीन चार, चार स्टेट बनाती है, मतलब स्टेट का हिंदी क्या होता है, राज्य होता है। अब बांग्लादेश के साथ देखिए, एक दो तीन चार पाँच, समझ में आया, आपको लिख देते हैं, आप अच्छे से लिखते जाइएगा, कोई दिक्कत हमको, हाँ, नेपाल के साथ, एक दो तीन चार पाँच, कितना, पाँच, क्या को राज्य, पाँच को राज्य, समझ में आया। अब भूटान के साथ, सिक्किम बनाएगा कि नहीं, पश्चिम बंगाल बनाएगा कि नहीं, असम बनाएगा कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश बनाएगा कि नहीं, तो सिक्किम के साथ क्या होगा, एक दो तीन चार, हमें लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से आ गया होगा, आपको सारा चीज़ समझा दिया, आप एक बार याद कर लीजिए, रिविजन कर लीजिएगा, आपको टोटल आपको तो समझ में आ गया होगा। एक बार रिविजन करना है, सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ बनता है, भारत का, बांग्लादेश के साथ, कितना, 4096 किलोमीटर, पॉइंट में मत याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 4096। इसके बाद किसके साथ बनता है, चीन के साथ, 3488 किलोमीटर, इधर पाकिस्तान के साथ कितना बनता है, 3323 किलोमीटर, कोई, और सबसे कम सीमा रेखा किसके साथ बनता है, अफगानिस्तान के साथ, कितना किलोमीटर, 106 किलोमीटर, कोई दिक्कत। आप बताइए पाकिस्तान के साथ क्या गोड़ा सस्ता, मतलब सटा हुआ है भारत का, 3000 सटा हुआ है, कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, क्या वो कंसासी प्रदेश सटा हुआ है पाकिस्तान के साथ, दो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, कोई दिक्कत।
आप बताइए अफगानिस्तान के साथ क्या को स्टेट सटा हुआ है? इक्वी स्टेट नहीं सटा, मतलब राज्य नहीं सटा हुआ है क्या? एक यूटी मतलब केंद्रशासित प्रदेश सटा हुआ, कौन सा? लद्दाख सटा हुआ है। चीन के साथ क्या को स्टेट सटा हुआ है? चार को, क्या को है? देखिए चार को स्टेट है, चार को, एक दो मतलब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, क्या को स्टेट हुआ? चार को। अब बताइए नेपाल के साथ, यहाँ पे लिख दिया हूँ नेपाल के, पांच को, क्या को होगा? देखिए एक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, क्या को हुआ? पांच को हुआ कि नहीं? पांच को। भूटान के साथ चार को स्टेट सटा हुआ, देखिए आप ध्यान से, अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये हो गया। म्यांमार के साथ क्या को लगा हुआ है? चार को स्टेट लगा हुआ है, मतलब चार को राज्य लगा हुआ है, क्या को? चार को, एक दो तीन चार, मतलब कहें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, कोई दिक्कत? अब बांग्लादेश के साथ क्या को राज्य सटा हुआ है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से जान लीजिए, इतना कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए